हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कौन से काम करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए, पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन परिचय और उसके बाद से पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे कि बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर के लिए, उसके बाद से ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल, मोबाइल में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और इनमें कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, और पढ़ेंगे हम यूजर इंटरफेस के बारे में, डेस्कटॉप और लैपटॉप ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से ऑपरेटिंग सिस्टम के में टास्क बार क्या होता है, शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं, एप्लीकेशन कैसे चालू किया जाता है, फिर से उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे विंडोज़ को मैनेज करना, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और मिनिमाइज, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद से ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सिंपल सेटिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे माउस की सेटिंग्स और डेट और टाइम सेट करना, डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेटिंग करना, उसके बाद से प्रोग्राम को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना और फाइल एंड डायरेक्टरीज मैनेजमेंट करना, यानी कि फोल्डर और अपनी फाइल जो बनाएंगे वो कहाँ स्टोर करते हैं, कैसे रखते हैं, ये सब मैनेज करना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये समझते हैं। तो देखिए, इसमें एक एक करके पॉइंट बनाया है, आप इसको अच्छे से समझिए। ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे रूप में इसे OS कहा जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट नेम होता है OS। नेक्स्ट है कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों को संचालन करता है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो सारे कंप्यूटर लगे होते हैं उनको ये क्या करता है, चलाता है। नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगता यानी कि यूजर्स तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, यानी कि देखिए ये कंप्यूटर हो गया हमारा और ये हमारा यूजर हो गया, इन दोनों के बीच में ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रदान करता है, यानी कि ये कंप्यूटर को कार्य करने लायक और यूजर को समझने लायक ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। नेक्स्ट है कि यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है, यानी कि जो भी आदेश देते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उन्हें समझाता है कि कैसे करना है और कहाँ कहाँ कौन कौन से डिवाइस के माध्यम से जो हम कार्य देते हैं कंप्यूटर को, तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं तो हमारा एक कंप्यूटर सुचारू रूप से चलने लायक हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपना जरूरी कार्य करते हैं और जितने भी हमारे कंप्यूटर में डिवाइसेस लगे होते हैं उन सबको मैनेजमेंट या कंट्रोल करना कौन से सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। तो चलिए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं डिटेल में। देखिए, वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स, यानी कि कहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, तो समझिए। देखिए, यहाँ पे तीन प्रकार के सर्कल है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो देखिए, कंप्यूटर जो बनता है हमारे हार्डवेयर डिवाइस से, जिसमें सीपीयू लगा होता है, मेमोरी लगी होती है, एचडीडी हार्ड डिस्क, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, तमाम तरह के हार्डवेयर्स होते हैं। इन हार्डवेयर को चलाने के लिए हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो लिनक्स, विंडोज, मैक ये सारे होते हैं। उसी के साथ यूटिलिटीज प्रोग्राम आते हैं जो कि ये कंप्यूटर को मेंटेन रखते हैं, वायरस से बचाते हैं, कंप्यूटर को फास्ट चलने में मदद करते हैं, कंप्यूटर की गति में लगातार वृद्धि करते रहते हैं, ये यूटिलिटीज प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे हार्डवेयर्स को ये चलने लायक बनाता है और इस पे हम कार्य करते हैं। तो उसके बाद से थर्ड नंबर में आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आता है, जैसे वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस का, इंटरनेट कोई ब्राउज़र हुआ या कंप्यूटर में गेम्स वगैरह हो गया, ये सब हम जब इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंतर्गत इंस्टॉल करते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन सारे काम करते हैं। तब लास्ट में जो आता है हमारा सर्कल, वो आता है अब यूजर का, यूजर जो कंप्यूटर चलाता है उसे हम यूजर कहते हैं, तब हम अपना कार्य करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पर मनुष्य कैसे काम करता है, तो देखिए ये रहा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और ये रहे यूजर्स, इन दोनों के बीच में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसपे यूजर क्या करता है, कार्य करता है अपना, और ये है हार्डवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो होता है अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है।
तो यही इंस्टॉल करने के बाद हमारा एक प्रॉपर रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है और इस पर हम ये मतलब कंप्यूटर चलने लायक हो जाता है एकदम अवस्था में कि हम इसके अंतर्गत कुछ भी काम कर सकते हैं। तो कार्य करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर, तब हमारा यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत काम करता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य यानी कि जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के वो क्या क्या है इनके बारे में समझते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, उसके बाद से मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट कंट्रोल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस और एक है नेटवर्किंग मैनेजमेंट। देखिए प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी कार्य होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कार्य होते हैं, हर कार्यों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, अलग अलग रूट्स हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, उन सारे कार्यों को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट ये भी करता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत कई तरह की मेमोरी डिवाइसेस और मेमोरी लगे होते हैं, हर मेमोरी का अलग अलग कार्य होता है, हर मेमोरी में कुछ ना कुछ डेटा रहते हैं, तो उनको मैनेजमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही जिम्मेदार होता है। और एक है इनपुट आउटपुट कंट्रोल मैनेजमेंट, यानी कि हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का भी इस्तेमाल करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो वो इनपुट के रूप में जाता है और कंप्यूटर हमें भी डेटा देता है वो आउटपुट के रूप में आता है। इन सारे कार्यों को मैनेज करने के लिए कंट्रोल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही जिम्मेदार होता है, यही कार्य उसको संभालता है। डिस्क मैनेजमेंट यानी कि जो हम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं मतलब सेकेंडरी मेमोरीज और उनमें अलग अलग टाइप्स के फोल्डर्स फाइल वगैरह सब बनते हैं और वही अलग अलग एक डिस्क पार्टनरशिप में किया जाता है जिसके अंतर्गत हम फोल्डर्स फाइल को रखते हैं, तो इन दोनों का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी होता है, जैसे वायरस से बचाना, फायरवॉल इंस्टॉल रहता है एक तरफ से कहा जाए तो। इसके बाद से हम कुछ एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर वो कार्य करते हैं। यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें यूजर इंटरफेस प्रदान करता है जिस पे हम लोग अपनी आंखों से देखकर अलग अलग कार्यों को हम कर सकते हैं। उसके बाद से आता है नेटवर्किंग मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही द्वारा कंप्यूटर में इंटरनेट चलाए जाते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत वैसी प्रोग्रामिंग नहीं रहेगी कि इंटरनेट चले तो उस कितना भी अगर हम लोग ट्राई करें तो इंटरनेट नहीं चल सकता है। इसके लिए इससे पहले से इसमें कुछ विंडोज सर्वर का भी इस्तेमाल किया जाता है, अन्य तरह की भी कोडिंग की होती है जिसके कारण हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंटरनेट चलाने में मदद देता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्पल का आता है मैक ओएस के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट यानी कि जो विंडोज है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है, उसी तरह लिनक्स है, ओबंटू है और एमएस डॉस है और यूनिक्स है, ये सारे के सारे हमारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर को चलने लायक बनाते हैं जिसपे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके यूजर अपना कार्य आसानी से करता है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग यानी कि एक व्यक्ति और एक समय में एक ही कार्य करता है, और कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग यानी कि कई लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारा एक समय में काम करते हैं, जैसे एमएस डॉस हुआ, यूनिक्स हुआ, उसी तरह विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, ये सारे के सारे हमारे मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग है, एक साथ बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये जो होता है ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है, क्या होता है कमांड लाइन इंटरफेस, हर कार्य करने के लिए एक कोड जनरेट किया जाता है, इसमें ऑप्शन मेनू आइकन्स कुछ नज़र नहीं आते हैं, ये केवल कंसोल होता है स्क्रीन का यानी कि ब्लैक कलर का और इसी पे कार्य सारा किया जाता है। लेकिन ये सब है इनको बोला जाता है यूजर इंटरफेस, ये क्या है यूजर इंटरफेस है, ये भी होते हैं ग्राफिकली, ग्राफिकली यूजर इंटरफेस, इनमें चित्र दिखाई देते हैं, एक हमारा डिस्प्ले होता है जिसपे कुछ आइकन्स नज़र आते हैं, ऑप्शन नज़र आते हैं कि हम क्लिक करके अपना कार्य कुछ ही सेकेंडों में कंप्लीट कर लेते हैं, बट इनमें नहीं होता है, इसीलिए इनमें एक समय में एक काम किया जाता है और एक ही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन विंडोज़ है, हम विंडोज़ के अंतर्गत एक समय में कई कार्य कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक सुनना, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, इंटरनेट से कुछ डाउनलोडिंग करना वगैरह वगैरह, डिपेंड करता है कि यूजर को
कितना कंप्यूटर में काम करने फास्ट आता है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के खास है दो पहलू जो आप लोग को समझना चाहिए। अब है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं जो एंड्रॉयड फोन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये खुद ही एंड्रॉयड एक हमारा क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह विंडोज का आता है, विंडोज मोबाइल का विंडोज फोन जो है। उसी तरह ब्लैकबेरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सेविनियन है और एक हमारा iOS एप्पल का है। तो ये मोबाइल के जो है हमारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है वो है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आजकल लगभग 80% इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे स्मार्टफोन के अंतर्गत। देखिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स है, सबसे पहले अल्फा आया, उसके बाद बेटा, उसके बाद से कपकेक, डॉटनट, इलक्लेयर, उसके बाद से फ्रोयो, उसके बाद से जिंजर ब्रेड, उसके बाद आया हमारा हनी काम्बो, आइसक्रीम, जेलीबीम, किटकैट। तो इतने आए और ये नाम कुछ ना कुछ खाने वाले से रिलेटेड ही रखा गया है एंड्रॉयड के द्वारा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के हैं जो अपने हिसाब से ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर रहा है एक में। तो अगर एग्जाम पॉइंट व्यू से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इजीली आसानी से इसको बता सकते हैं कि अगर आ जाए कि जेली बेम क्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसको ट्रू कर सकते हैं। अगर आप इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम याद रखते हैं तो बहुत बेटर होगा आप लोग को एग्जाम के पॉइंट व्यू से। अब है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास, यानी कि विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके कुछ वर्जन्स आए नए नए। सबसे पहले आया विंडोज 1 1985 में, उसी तरह विंडोज 3.1, विंडोज 95 यहाँ से मोस्ट पॉपुलर रहा, उसके बाद से विंडोज XP भी पॉपुलर रहा, विंडो विजिटा ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं रहा। इसके बाद डेवलप करके विंडोज 7 आया जो आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर कमर्शियल यूज पे, तो ये विंडोज 7 है। उसके बाद से आया विंडोज 8 जो एक एंड्रॉयड की तरह इस्तेमाल किया जाता था, और उसके बाद से आया हमारा विंडोज 10 जो फुल्ली एंड्रॉयड बेस्ड है और इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जान लेते हैं डिफरेंस, जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है macOS और एक है लिनक्स और विंडोज, इनके डिफरेंस अंतर क्या ये सब हम जान लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए प्राइस की बात की जाए तो विंडोज आर लेस एक्सपेंसिव, यानी कि ये थोड़ा कम है macOS से, बट लिनक्स जो है इट डज नॉट हैव एनी चार्ज, इट्स टोटली फ्री। ये है हमारा टोटली फ्री, ये थोड़ा सा चार्ज लेता है लेकिन ये कम चार्ज लेता है, किस से macOS से। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वायरस इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर, क्योंकि विंडोज के अंतर्गत वायरस पाए जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये मार्केट में कमर्शियल पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस है और इसका इस्तेमाल लगभग बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेकिन लिनक्स जो है कि देयर इज लेस अमाउंट ऑफ वायरस इन लिनक्स कंपेयर टू विंडोज बिकॉज लिनक्स इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड फ्री है पूरी पब्लिक के लिए। इसके बारे में अगर जानना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं तो हमारा जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वीडियो है वो जरूर देखें। तो इसके अंतर्गत वायरस कम आते हैं, और मैक जो OS है कि देयर इज नो वायरस इन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज यू कैन इंस्टॉल इन एप्पल डिवाइस ओनली। मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है केवल ये एप्पल के डिवाइस जो होते हैं उन्हीं के अंतर्गत इंस्टॉल किए जाते हैं। कैपेबिलिटी की बात कर ले तो एनीवन कैन इंस्टॉल एन टाइप ऑफ गेम इनटू विंडोज पीसी इन कंपेटिबल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड गेम्स, यानी कि जो विंडोज है इसके अंतर्गत हम गेम्स खेल सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके हम अपना कार्य कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये सब सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर लेता है। बट लिनक्स जो है कि लिनक्स इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि यू कैन प्रोग्राम द सॉफ्टवेयर दैट यू वांट, यानी कि जो आप चाहते हैं इसके अंतर्गत भी आप टोटली इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे गेम हो या चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो जिसके अंतर्गत काम कर सकें, आप इसके अंतर्गत फ्रेंडली इंस्टॉल कर सकते हैं। बट मैक जो है कि मेनी ऑफ सॉफ्टवेयर आर नॉट कंपेटिबल विथ macOS, सो यू फील लिमिट ऑन macOS ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो मैक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंतर्गत
कुछ ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि इसके अंतर्गत इंस्टॉल नहीं किए जा सकते हैं। इसकी एक लिमिट है, एक बाउंडेशन है कि इतने के अंतर्गत इतना ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा। और भरोसेमंद यानी कि रिलायबल की बात कर ले तो विंडोज इज रिलायबल बट ड्यू टू वायरस इट स्टॉक, मतलब ये भरोसेमंद है लेकिन इसमें वायरस का खतरा रहता है। लिनक्स जो है, बिकॉज लिनक्स इज नॉट ए कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन मॉडिफाई इट फॉर दैट यू यूजेस दैट यू वांट। जो लिनक्स है ये कंप्लीट एक तरफ से कहा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो अपने खुद से हम कुछ मतलब मॉडिफाई यानी कि सुधार सकते हैं। अब मैक ओएस जो है कि मैक इज टू मच रिलायबल एंड स्मूथ बिकॉज इट हैज नो वायरस, यानी कि ये तो सबसे फास्ट चलता है और सबसे अच्छा काम करता है लेकिन इसके अंतर्गत कोई वायरस नहीं होते हैं। वायरस इसलिए नहीं होते हैं कि केवल ये एप्पल डिवाइस में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये रहा है इनकी कुछ अंतर यानी कि विशेषता जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं हमसे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक्स।